बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे 14 अगस्त के हवाले से बहुत ही टेस्टी केक। बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसे हम बनाएंगे, कोई क्रीम इसमें यूज नहीं करेंगे। ये इस कदर आसान रेसिपी है कि इवन बच्चे भी इसे बना सकते हैं। केक का स्पंज बहुत ही सॉफ्ट होगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा इंशाल्लाह। केक के ऊपर जो चांद सितारा हमने लगाया है वो भी एडिबल है, आप इसे खा सकते हैं। इसे हमने कैसे बनाना है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले बाउल पे छलनी सेट करेंगे क्योंकि मैदा हमने छानना है। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया है। अगर आपके पास मैयरिंग कप्स नहीं है तो आप आम कप से भी मैयर करके आधा कप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर इसमें लेवल स्पून के हिसाब से ऐड करेंगे। पहले मैंने आधा टीस्पून ऐड किया है और उसके बाद 1/4 टीस्पून ऐड किया है। मैं यहाँ पे 3 बार छानूंगी मैदे को और बेकिंग पाउडर को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे छानेंगे उतना ही अच्छा आपका केक का स्पंज रेडी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिल्क शेक वाला जग लिया है, उसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। तो इस केक को बनाने के लिए आपको किसी किस्म की बीटर की ज़रूरत नहीं है। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। तो जितना मैदा हमने लिया उतनी ही चीनी ऐड करेंगे। ये पिसी हुई चीनी नहीं है, आम चीनी ही है, मोटे दाने वाली। इसे ग्राइंड करना है इतना कि अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए। उतना ही हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आधा कप, और आधा टीस्पून ही वैनिला एसेंस ऐड करके अच्छी तरह से इसे शेक कर लेंगे। उसके बाद इस अमेजे को हमने मैदे में ऐड करना है। इस पॉइंट पे आपने ख्याल रखना है कि बहुत तेज़ी से आपने काम नहीं करना है। बहुत ही हल्के हाथों के साथ एक साइड पे चम्मच हिलाते हुए आपने इस अमेजे को मिक्स करना है। आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए वीडियो की स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, लेकिन असल में मैंने इसे बहुत ही हल्के हाथों के साथ बहुत ही स्लो स्पीड में मिक्स किया है। अगर आप इसे बहुत ही स्पीड के साथ सख्त हाथों से मिक्स करेंगे तो आपका केक सख्त हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से में मैंने इसमें कलर ऐड किया है, ग्रीन कलर। कलर आपने जेल कलर लेना है या लिक्विड कलर लेना है, पाउडर कलर नहीं लेना है, वरना केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से मैंने कभी वाइट और कभी ग्रीन अमेजे को ऐड किया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये बन जाता है। जब भी आप केक बेक करें सबसे पहले आपने केक का सांचा रेडी करके रखना होता है, और जब आप गीले अमेजे को खुश्क अमेजे में मिक्स कर रहे हों तभी आपने पतीले को या कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख देना होता है। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ ये खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया था मीडियम आँच पर। अब इसे हम बेक करेंगे। जस्ट 20-25 मिनट में ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। ऊपर अगर सुराख है कढ़ाई के तो उसके ऊपर आप कपड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। तो 25 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा केक बेक हो चुका है। आप इसकी बैक साइड भी चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। अब ये जो ऊपर चांद और सितारा हमने रेडी किया है ये हमने शुगर पाउडर से रेडी करना है। चीनी को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद 2 दफ़ा आपने छानना है, और कॉर्न सिरप के 1 चम्मच भी थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके उसे ऐड करना है। तो इस तरह से ये डो रेडी हो जाएगी। अब चीनी के पाउडर के साथ ही आपने इसको अच्छी तरह से सेट करना है, और उसके बाद पेज के साथ कोई भी चांद सितारा काट के उसकी छुरी के साथ हम कटिंग करेंगे। इस तरह से चांद को आप इस तरह से गिलास के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो सकता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एडिबल है। ये कॉर्न सिरप आपको वहीं से मिलेगा जहाँ से आप बेकिंग पाउडर वगैरह खरीदते हैं। जो फॉन्डेंट बच जाती है उसे आप इस तरह से रैप करके रख सकते हैं, ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल ठीक रहती है। तो आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही सिंपल से स्पंज से हमने आज़ादी केक को रेडी किया है। देखने में तो ये केक खूबसूरत है ही, लेकिन खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये केक बहुत ही टेस्टी है। तो 14 अगस्त पे अपने लिए भी ये केक बनाएं। अगर आपने किसी के घर जाना है तो 20 मिनट में ये केक रेडी करके उसके लिए भी लेके जाएं। अपने हाथ से बना के अगर आप किसी के लिए कोई चीज लेके जाते हैं तो आपको खुशी तो होती ही है, लेकिन रिसीव करने वाले को भी बहुत खुशी होती है। अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जजाकअल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।